अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमशा आवान। नाज़रीन, जैसा कि आज सब जानते हैं कि आज जो है ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसी हवाले से हमारे साथ जो है गेस्ट मौजूद हैं, रोल मॉडल हैं पूरे पाकिस्तानियों के लिए। बरतानिया से आई हैं पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा काम किया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए जब भी देखा जाए, चाइल्ड अब्यूज़, वुमन एम्पावरमेंट, चाइल्ड बेगरी पे उन्होंने बहुत काम किया, और सर्वर फाउंडेशन को लीड कर रही हैं, फिर गर्ल गाइड को रिवाइवल किया है, और इसी तरह के बहुत से जो उन्होंने सोशल जो काम है वो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेगम गवर्नर परवीन सरवर साहिब। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू दिस शो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमारा जो शो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ पे है। आप जो हैं बरतानिया रहीं, बरतानिया से फिर पाकिस्तान आई, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम किया। आपके जहन में क्या ख्याल आया, क्योंकि आप बरतानिया में भी सोशल एक्टिविस्ट थी, कौन सी ऐसी सोच थी जो आपको पाकिस्तान ले आई कि वहाँ पर ज़्यादा आपकी ज़रूरत है? मेरे ख्याल से जब सरवर साहब ने आना था इधर गवर्नरशिप के हवाले से, तो उस वक्त मैं रिलक्टेंट थी आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बारे में हमेशा ये सोचा भी वहाँ ख़तरा है, ये है। पर जब मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ आके मैंने देखा जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो रूरल जगह पे रहती है, चाहे वो सिटीज़ में रहती है, वो हर बहन चाहती है अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। और जब मैंने देखा बास ऐसे रूरल जगह है जिधर हमारी बहनें अभी भी एक वक्त का खाना उनके घर में पकता है, और बहुत सारी बहनें रात को भूखी भी सो जाती है, तो मैंने वहाँ से अपना काम शुरू किया, हुनरगाह के हवाले से सिलाई सेंटर्स खोलना। और अब तक जितने भी हमने सिलाई सेंटर्स खोले, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्रेंड ओवर 20,000 वुमेन। तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ हमारी बहनों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि वुमन को एम्पावर किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, बाज़ दफ़ा लोग है ना कन्फ्यूज़ कर लेते हैं भी एक औरत को एम्पावर करना, नहीं तो हमारा जो दीन है, दीन ने हमारी औरतों को बड़ा अच्छा एक मकाम दिया। हमारी शादी होने से पहले हमारी रजामंदी ज़रूरी है, और उसके अलावा माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। सो व्हाट मोर कैन वी आस्क? बट सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सोसाइटी में जब हमारे बहनों के खिलाफ जो कोई क्राइम होता है, अगर कोई रेप क्राइम हो जाए, कोई एसिड क्राइम हो जाए, तो मेरे ख्याल से पनिशमेंट ज़रूरी है। जितने देर तक हम पनिशमेंट नहीं करेंगे, उतने देर तक ये हमारे क्राइम्स कम नहीं होंगे, हमारी बहनें सेफ़ नहीं फील करेंगी। बाहर निकलने के लिए उनको काम पे भी जाना होता है, और इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, एंड येट दे ओनली मेक अप 20% ऑफ द वर्क फोर्स। अगर हम चाहते हैं हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, फिर हमें औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। मेरिट पे अगर जॉब मिलते हैं, तो अगर औरत क्वालिफाइड है तो औरत को देना चाहिए, मर्द को नहीं। तो जब हम ये शुरू करेंगे तो यकीनन हमारी इकॉनमी भी अच्छी होगी, हमारा मुल्क भी अच्छा होगा, क्योंकि नो नेशन कैन मेक प्रोग्रेस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अच्छा, एजुकेशन की बात करते हैं, औरतों की तालीम जो है किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉलेजेस में जाती हैं, डिफरेंट आपने एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है, क्या समझती हैं आप पाकिस्तान में जो औरत की जो तालीम है कहाँ पे लूप होल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती या रूरल एरिया में चले जाएँ? यहाँ अर्बन में तो फिर आप लाहौर में बहुत ज़्यादा रेशो तक जा रही हैं, लेकिन रूरल में बहुत कम है, इसकी क्या वजूहत है? मेरे ख्याल से एक तो ये वजह हमने एजुकेशन पे गौर नहीं किया, क्योंकि हमारे मुल्क में 25 मिलियन बच्चे अभी भी है जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्कूल्स, आवर गवर्नमेंट स्कूल्स, टू इनक्रेज पीपल, वो लोग बच्चे जो हमारे हैं वो स्कूलों में आएँ, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी देर तक हम एजुकेट हमारी स्टूडेंट्स को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट नहीं करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे एहतजाज कर रही हैं, आजकल एक हाइप भी सोशल मीडिया पे क्रिएट हुई हुई है, आपका क्या ख्याल है कि सड़कों पर आकर एहतजाज करना ज़रूरी है कि करेक्टर बिल्डिंग और अपने ऊपर काम करना, सेल्फ सफिशिएंट होना, जैसे कि आप दूसरों के लिए, अपने लिए तो आपने काम किया, दूसरों के लिए भी किया, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मशवरे देने चाहेंगी उन्हें? मेरे ख्याल से अगर हम घर से भी शुरू कर लें, एक जो बाप होता है वो बाज़ दफ़ा ये होता है वो बेटे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ दैट वी शुड गिव मोर टाइम टू आवर डॉटर्स, एंड वी शुड मेक देम फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिल्ड स्ट्रॉन्ग
एम कॉन्फिडेंट वुमेन, और दूसरा जब हम डेमोंस्ट्रेशन की बात करते हैं, बाज़ दफ़ा वो भी ज़रूरी होता है, जब हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती तो हमारी बहनों को मजबूरन डेमोंस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी तो दिस इज़ अलाउड इन हर सोसाइटी, हर एक इंसान का एक हक होता है, उन्होंने जी अपनी वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का। तो जी मेरे ख्याल से बाज़ ऐसे इश्यूज़ होते, जैसे अभी मैंने कहा क्राइम रेट के हवाले से हो गया, जी इक्वल राइट्स के हो गया, जी तो ये समटाइम्स दिस आर वेरी इम्पोर्टेंट। उस बात करते हैं वुमेन की सेहत की। जी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, साफ पानी सर्वर फाउंडेशन के तहत आपने प्लांट्स लगाए हैं बहुत ज़्यादा, कॉलेजेस में जाके आपने रिवाइव किया है दोबारा गर्ल गाइड को, उनके बारे में बताइएगा कि कितनी कामयाबी मिली आपको। मेरे ख्याल से जो हमारी सेहत के हवाले से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक माँ सेहतमंद होगी होगी तो अपने बच्चों को वो देख सकेगी, अपने खामन को देखेगी, घर को देखेगी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जिधर मैं मदर एंड चाइल्ड का हेल्थ कैंप लगाती हूँ, वहाँ स्केबीज, माउथ अल्सर्स, स्टमक वर्म्स, जो छोटी छोटी बीमारियाँ यू एंड आई टेक फॉर ग्रांटेड, और पीपल अक्रॉस अदर वर्ल्ड डोंट हैव दिस इन दर कंट्री एनी मोर, हमारे मुल्क में है, अभी भी है, दे एग्जिस्ट इन आर कंट्री ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। तो मेरे ख्याल से रूरल एरियाज़ में फोकस करने की सख्त ज़रूरत है, वहाँ हमारे कैंप्स भी लगने चाहिए, और वहाँ को जो हमारे हॉस्पिटल्स है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द फोकस इज़ नीडेड इन आर कंट्री। जो औरत है वो जब घर से निकल जाती है काम करने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में एक औरत घर है वो तो चले एम्पावर्ड नहीं है और सब कुछ सह रही है, लेकिन एक औरत जब घर से निकल जाती है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा टॉलरेट करती है सोसाइटी को। सबसे बड़ी जो औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है वो अपने बच्चों पर होता है। आपका क्या ख्याल है, जो डे केयर सेंटर है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक औरत को ये पता नहीं होगा कि मेरा बच्चा जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ वो एक सेफ़ हैंड में, क्योंकि आप खुद एक माँ हैं और हमारे यहाँ पे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने अपना एक डे केयर सेंटर स्टार्ट किया है, आप मुझे इस हवाले से बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी है एक वर्किंग वूमेन के लिए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर मैं आई हूँ सेफ सिटी में और मुझे पता चला दैट देयर इज़ अ डे केयर सेंटर। मैं तो हमेशा कहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 60-70% हमारी डॉक्टर्स है, जो हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स है, शादी के बाद वो काम नहीं नहीं करते। करती। अगर वही हॉस्पिटल्स में एक नर्सरी हो जाए, या उनके क्लोज फैसिनिटी में एक नर्सरी बनाई जाए, जिधर एक माँ को पता हो मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाना, मेरा बच्चा सेफ़ होगा और इसको पढ़ाया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा फॉर नर्सरी एंड फॉर स्कूल। बहुत सारी हमारी माएँ जो है, हमारी बच्चियाँ हैं, जो ये नहीं काम करती वो काम पे आ जाएंगी, वर्क प्लेस पे दोबारा शुरू कर देंगी। और हमारे मुल्क में वॉलंटरी काम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल जितने भी मेरे कैंप्स लगते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन एंड दे ओके ऑल वॉलंटियर टू कम एंड जॉइन मी एंड माई मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कैंप्स। तो उनके लिए वो काम करना चाहती हैं, बट उनको वाकई जैसे आपने कहा, बच्चों के लिए एक सेफ नर्सरीज होनी चाहिए, और इवन प्राइवेट नर्सरीज, क्योंकि बहुत सारी मदर्स चाहती हैं, वो पैसा देने के लिए भी तैयार है, अगर तैयार उनको हैं, पता हो बिल्कुल भी हमारा एक बच्चा जो होगा वो सेफ सेफ होगा, होगा। बच्चे को लेसन्स मिलेंगे, वहाँ एक क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, हमारी बच्चा जो होगा दे विल लर्न हाउ टू बिकम अ यू नो मच्योर स्लोली विद द एज, एंड उनको तैयार किया जाएगा फॉर स्कूल्स। तो मेरे ख्याल से यकीन है बहुत सारी हमारी बहनें वापस आ जाएंगी काम पर, जो हमें सख्त ज़रूरत है। अच्छा, जो आपकी सर्वर फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उसके बारे में बताएं कि किस तरह के हुनर औरतों को सिखाए जा रहे हैं, वुमेन को पर्टिकुलरली एम्पावर करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कैंपेन एक स्टार्ट की। हुनर आप सिखाती हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, आप उन्हें एक हुनर सिखा देते हैं, किस तरह के हुनर सिखाए जाते हैं सर्वर फाउंडेशन में। जब मैंने सर्वर फाउंडेशन के साथ साथ वो हुनर गाह को शुरू किया था, विच इज़ कॉल्ड स्मॉल स्किल डेवलपमेंट, तो वहाँ रूरल एरियाज़ में मैंने देखा, जिस दिन भी हमने मशीनें रखी उसी दिन बहुत सारे लोगों ने और भी मशीन्स डोनेट भी कर दी, और बहुत सारी हमारी बहनें आन के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, करके हर बहन चाहती है उनके घर के हालात बदले, बेहतर और बिल्कुल हर एक बहन के अंदर, बच्ची के अंदर एक इतना अच्छा हुनर है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अड्डे का काम कर रही है, ज्वेलरी बना रही है, खुद से बना रही है, घर के बेडिंग बना रही है, और उसके बाद बहुत सारी बच्चियों ने हमसे सीख के तो उन्होंने अपनी स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर ली, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही है, अपनी छोटी सी बुटीक बना ली है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बहनों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है,
वहाँ ये भी होता है भी अगर हम किसी के घर जाएंगे या हम इधर जाएंगे तो कोई हमारे बारे में कुछ कह ना दे, कहना दी तो अगर हम उन्हीं जगह पे एक हुनरगाह बन जाता है, एक मीटिंग प्लेस हो जाती है, वो बहनें आती हैं, उनको पता होता भी ये मेरे साथ वाली गली में रहती है, ये मेरे रहती साथ है वाले घर में रहती है, तो वहाँ आकर एक दूसरे के साथ अपनी बातें भी शेयर कर लेती है, साथ साथ वो कुछ ना कुछ सीख भी लेती है। और उन्हीं मोहल्लों में उन्हीं जगह पे अगर किसी की शादी होती है तो वो ही बच्चियाँ एक दुल्हन को भी तैयार कर देती है, उनके कपड़े भी बना देती है, मेहंदी भी लगा देती है। सो दे आर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिटीज़ टू मेक श्योर दैट दे आर बी एबल टू अर्न एंड मेक श्योर दैट दे कैन हैव सेफ एनवायरनमेंट जिनके अंदर वो काम भी कर सके। और साथ साथ मैंने जिधर जिधर भी अपने, जैसे शाहदरा को ले लो, वहाँ जितने भी हमारे हुनरगाह, देर आर 15 हुनरगाह, तो वहाँ हमने एक माशाल्लाह ग्रुप बनाया मर्दों का। वो ग्रुप जो हमारे भाइयों का है वो कभी कभार हुनरगाह को विज़िट भी कर लेते हैं, वो देखते भी हैं वे सेफ, वहाँ कोई इनको हरास तो नहीं करता। अगर किसी दुकान से उन्होंने कोई ऑर्डर लेना तो वो दूसरी दुकानों के पास भी चले जाते हैं, ये एक जगह खुल गई है, अगर आपने कुछ चीज़ें बनवानी हो तो यहाँ से आप लोग बनवा भी सकते हैं, और नंबर भी उनको दे जाते हैं भी ये हमारा नंबर है और इधर कॉल कर दो। तो इस तरीके से दे आर प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल एज़ वेल। इसका मतलब है गांव तो गांव रहा नहीं, वो ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा उनमें पोटेंशियल मेरे ख्याल में मौजूद है, क्योंकि आपने तो देखा है उन्हें जाके। हमारे गांव देख लो, अभी भी बहुत सारे गांव हैं, जैसे जिस जिस गांव में मेरे अब्बू मेरे ससुर रहते थे, सलीमपुर एक छोटा सा गांव है टोबा टैक्सन में, मैंने वहाँ अपनी टीम भेजी, वहाँ उन्होंने वीडियो बना के लेके आए और लोगों का इंटरव्यू हम लेके आए ताकि हमें पता चले भी किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत है। तो उनका यही कहना था ना उनके पास पानी है, ना उनके लिए कोई मीटिंग प्लेस है, ना कोई स्कूल अच्छा, 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं स्कूल जाने के लिए, जो जाखड़े में जो उनका स्कूल है। आप इमेजिन करें कैसे एक माँ अपनी एक बेटी को सुबह भेजेगी भी आप स्कूल चले जाओ और वापस आ जाओ, जितनी देर तक एक ग्रुप के अंदर नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट पायलट प्रोजेक्ट दैट वी वॉन्ट टू मेक दिस सिटी इन टू अ मॉडल विलेज, सॉरी अ विलेज, वी वॉन्ट टू मेक इट इन टू अ मॉडल विलेज। तो मैंने यहाँ से शुरू करना, सबसे पहले तो हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, उसके बाद हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जिधर हम औरतों के लिए एक सेंटर बनाएंगे, जिधर हमारी बहनें एक दूसरे को मिल भी सकें, वहाँ उनके लिए हम कंप्यूटिंग रखेंगे, अगर वो कोई बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो कंप्यूटर रख सकते हैं, तो देन वी विल असेस इट एंड देन वी विल ऐड द कंप्यूटर्स। सोइंग मशीन से हम शुरू करेंगे ताकि हमारी बहनें को आके उनको मौका मिले, वो अपनी घर वाली चीज़ें बना लें, एक दूसरे को मिल लें। और वहाँ मेरी सबसे पहले ये सोच थी, वहाँ का जो हमारी मस्जिद है, हमारी जो मस्जिद की इमाम की जो वाइफ होगी उनके साथ हम बात करेंगे, उनको हम कहेंगे आप आके थोड़ा सा इनको कुरान पाक के हवाले से, क्योंकि मुझे पता चला बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें जो बुज़ुर्ग होगी जिन्होंने घर से कुरान पाक पढ़ा था, उनके तलफ़ की ज़रूरत है, जो हमारी बच्चियों बहुत सारी बच्चियाँ, क्योंकि उनकी ना तो उनके पास पैसा वो उनको स्कूल भेज सके, ना वो उन्होंने कुरान पाक सीखा, अगर हम वहाँ से शुरू कर देंगे तो बहुत सारे उस गाँव में थोड़ा सा फ़र्क आने लग फर्क जाएगा। आने फिर लगेगा। उसके बाद हम प्लांटेशन की तरफ जाएंगे, हम उसको ग्रुप्स बनाएंगे, आप लोगों ने पहले इस गांव को साफ़ रखना है, देन उसके बाद हम फंड रेज करके फिर हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है। क्या और करना जो है? हमारे बहन भाई दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनको हम इनक्रेज करेंगे, अगर आप इस गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दो ताकि वो आपको याद रखे, और फंड इस रेजिंग फंड जी। रेजिंग कर लें ताकि हम थोड़ा सा इसको बेहतर कर लें। सो दिस इज़ वी जस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, अभी हमने वीडियो बनाया, अभी हमने सर्वे किया, फिर उसके बाद हम जॉट डाउन करेंगे भी हमने क्या करना। तो अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो फिर हम बहुत सारे लोगों को इनक्रेज कर सकते हैं भी जिधर से आप बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा सा मिल के तो उस गाँव को बेहतर करते हैं। गर्ल गाइड एसोसिएशन को आपने रिवाइवल किया, उसके बारे में कौन सी ट्रेनिंग्स आप जो लड़कियों को ख़ास तौर पर दे रही हैं, क्या इसमें लड़के भी हैं या सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ज़्यादा वुमेन को एम्पावर करने के लिए ताकि वो मुल्क की जो है मुआशरती तरक्की में हिस्सा ले सकें? गर्ल गाइड्स को जो गवर्नर की वाइफ होती है ऑटोमेटिकली शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गर्ल गाइड्स। तो मैं हमेशा समझती हूँ अगर एक पोजीशन मिला, एक ओहदा मिला, उसको सिर्फ अपने नाम के साथ अटैच करने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ होना भी चाहिए, उसके लिए कुछ डिलीवर भी करना चाहिए। सो वी हैव स्टार्टेड टू रिवाइव द गर्ल गाइड्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर 112 विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री। उन्होंने 112 के साथ गर्ल गाइड्स के साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की करनी शुरू कर दी है। उसके बाद वी हैव रेड क्रेसेंट विच इज़ अ वेरी ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर
रेड क्रेसेंट, उन्होंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग शुरू कर दी है बच्चियों के साथ, एंड इवन विद द बॉय स्काउट्स, गर्ल गाइड्स एंड बॉय स्काउट्स, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद उनको ड्राइविंग सिखाई जा रही है। उसके बाद मैं चाहूँगी जो गर्ल गाइड्स हैं, जो उनके गाइड हाउसेस हैं, देर आर 5 गाइड हाउसेस इन पंजाब, अगर वहाँ हम ट्रेन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, चाहे वो बच्चियाँ कुकिंग सीखना चाहे, चाहे वो कंप्यूटिंग सीखना चाहे, चाहे वो हुनरगाह के हवाले से ड्रेस मेकिंग दूसरी चीज़ें सीखना चाहें, तो बहुत सारी बच्चियाँ अगर वो यही कर लें, अपने घर के कपड़े बना लें, अपने घर के चीज़ें बेहतर कर लें, तो दिस इज़ अ वे ऑफ पॉलिशिंग दैम, क्योंकि कोई काम ज़ाया नहीं जाता। आई माई सेल्फ लर्न्ड हाउ टू सो व्हेन आई वाज एट स्कूल, आई लर्न्ड हाउ टू डू फ्लावर अरेंजिंग, आई लर्न्ड हाउ टू सेट अ टेबल, माई फादर मेड मी लर्न हाउ टू पॉलिश द शूज़ एंड हाउ टू आयरन द शर्ट। तो मेरे ख्याल से वो कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती, आजकल वो सर्वर साहब के सारे काम खुद ही करती तो वो कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। तो वो ट्रेनिंग अगर हम अपनी बच्चियों को दे देंगे आगे जाके, उनको मेरा ये इरादा, आई वॉन्ट टू हैव देम जॉइन सम हॉस्पिटल टू लर्न हाउ टू डू ब्लड सैंपल कैसे लेना है, डायबिटीज़ को कैसे चेक करना है। अगर उनको हम ये ट्रेनिंग दे देंगे, यही हमारी बच्चियाँ, हम उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं आज नानीस, प्राइवेट नानीस फॉर न्यू मदर्स, दे कैन बी एम्प्लॉयड आज प्राइवेट नर्सेस फॉर आवर एल्डरली, क्योंकि हर घर में हमारे पेरेंट्स रहते हैं। बाज़ दफ़ा जो वर्किंग फैमिलीज है वो अपने पेरेंट्स को वो टाइम नहीं दे सकते, तो अगर उनके लिए एक नर्स होगी, उनको पता होगा भी हमने उसको कितने बजे खाना देना है, कितने बजे मेडिसिन देनी है, एक्सरसाइज कौन सा करवाना है, बजाय इसके हम दूसरे मुल्कों से हेल्प लें, दूसरे मुल्कों से हम मेड्स को और नानीज़ को हायर करें। और मेरे ख्याल ये मेड का लफ्ज़ हमें छोड़ देना चाहिए, हम उधर आ जाएं, दैट दीज आर प्राइवेट नर्सेस, दीज आर नानीज़। और जैसे वर्किंग मदर्स के लिए अगर हमने नर्सरीज बनानी, दीज गर्ल गाइड्स कैन बी हायर्ड आज नर्सरी टीचर्स, ताकि अगर उनको हम ट्रेन कर दें। ये मैडम वाकई आप शू पॉलिश करती हैं और सर्वर साहब के काम मुझे अच्छा लगता है, उनका जूता पॉलिश करना वाओ, इट्स मुझे अच्छा लगता है जब उनके कपड़े मैं सुबह खुद निकालती हूँ, तैयार करती हूँ। ये लिबरल मेरे ख्याल में खातून के लिए एक मैसेज है कि इतनी एक कॉन्फिडेंट और इतने ओहदे पे एक खातून हो के भी जब वो अपने मर्द के, अपने शोहर के खुद काम कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव मैसेज है आपके थ्रू, जो कि मैं देना चाहूँगी कि जिस तरह आप कर रही हैं और बहुत कम औरतें करती हैं इस तरह। मेरे ख्याल से अगर हम 3 मिनट निकाल दें, उनके कपड़े निकालने में 3 मिनट लगते हैं, घर से वो खुश जाते हैं, आप भी रिलैक्स होते हैं। और कभी कभार जब हम बैठे भी होते हैं और सर्वर साहब कहते हैं ना मैं आवाज़ देता, मुझे ये चाहिए, तो उनको मैं कहती हूँ आपको आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं, मैं जो बैठी हूँ आपके पास आप मुझे बता दें। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट द पर्सन दैट यू आर लिविंग विद, दे नो दैट यू केयर अबाउट देम, एंड दिस इज़ आई एम शेयरिंग एंड केयरिंग, जो ज़रूरी है एक दूसरे को बताना, दैट यू नो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, and you know that we matter to one another, and this is very important to keep that family unit. Okay, thank you. Acha khawateen day ke hawale se kya message dengi un auraton ko jo ki dekh rahi hain aapko? Main apni behnon ko, betiyon ko yehi kehna chahti hu, hamare mulk mein jo hamari betiyan aur behne, they are very precious, hamari qaum ki betiyan, hamari betiyan, unki izzat hum sab se, hame apni behnon ki aur betiyon ki izzat aziz hai. तो मैं अपनी बेटियों को यही कहना चाहती हूँ, जब भी हम बाहर निकलें, दैट वी नीड टू ड्रेस मॉडस्टली, हम बता के जाएं अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को। बाज़ जब हम सोच लेते हैं दैट दे आर इन्वेडिंग आवर प्राइवेसी, ये नहीं होता, उनको ये होता भी उनको पता हो हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारी अम्मी कहाँ जा रही है, और एक सेफ्टी होती है, क्योंकि जब भी हम कभी लेट हो जाएंगे तो फिक्रमंद हो जाएंगे, दे विल कम लुकिंग फॉर अस। सो टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ, दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी keep ourselves safe, it's very important to make sure that the family know where we're going and where we're coming from. I myself, jab main UK mein rehti thi, I was the only Muslim girl in school. Okay. And jab bhi main kisi jagah pe khadi hoti thi, jab main ghar aati thi, mere abbu ko mujhse pehle pata hota tha bhi main kisi deewar ke upar chadh ke walk kar rahi hu, jahan maine apna basta rakha aur uske upar baith ke to snow pad gayi to main slide karke niche aa gayi hu. तो माई फादर न्यू भी, जो भी मेरी छोटी छोटी हरकतें होती थी, एंड आई यूज़ टू बाज़ दफ़ा मैं सोचती थी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर साथ साथ मुझे एक ये भी होता था भी माई फादर नोस वेर आई एम, आई एम सेफ, यू नो इफ एनीथिंग हैपेंस ही विल कम लुकिंग फॉर मी। ये बहुत ज़रूरी है इन टुडे सोसाइटी।
सोसाइटी। थैंक यू सो मच मैम आप आई, और इट्स वेरी ऑनर्ड, और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आई, हमारे ऑफिस को विज़िट किया और देखा कि कैसे जो है वो पुलिस जदीद से जदीद तर हो रही है, और आपने खुद देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इनोवेशन आई है पुलिसिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने का। और जो सेफ सिटी जो मैंने देखा, जो कैमरास वगैरह, आई थिंक वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी देन इवन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम। ख़वातीन को अपनी करेक्टर बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज़रूर काम करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी होस्ट हिमशा वान, टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम विद द नेक्स्ट गेस्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।